हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां तक अपना, इसके पहले तक अपना खत्म हो चुका था, ठीक है ना। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। क्या? पहला रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड दूसरा लंग्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? अ पैसेज बाय विच एयर एंटर्स इनटू लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? एक पैसेज या फिर वो जगह या फिर वो रास्ता जहां से ऑक्सीजन एंटर करेगा या फिर ऑक्सीजन जाएगा, कहां? लंग्स में। उस पैसेज को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला जाता है, ठीक है। अब ट्रैक है कैसा, क्या क्या बीच में आता है, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, वो ट्रैक अपन देख लेंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू होता है, कहां से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। तो पहला पार्ट क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, यहां से शुरू होगा क्या? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है। उसके बाद ये एरो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। उसके बाद क्या आएगा? नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल होल्स दिख रहे हैं आपको नोस्ट्रिल्स। उसके बाद क्या है? ये आपका नेजल चैम्बर जो ये दिखाई दे रहा है, क्या है भाई? नेजल चैम्बर। उसके बाद इस चैम्बर के अंदर स्कल में दो होल्स होते हैं, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो होते हैं, दो नोस्ट्रिल, दो होल्स, दो छेद। उसके बाद ये नेजल चैम्बर, उसके बाद अंदर की तरफ भी दो होल्स, क्योंकि बाहर भी दो है तो अंदर भी कितने होंगे? दो होल्स होंगे, ठीक है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? इंटरनल नेयर्स, ठीक है, क्या? इंटरनल नेयर्स। उसके बाद क्या आएगा भाई? नेसो फेरेंस। क्या आएगा? नेसो फेरेंस। नेसो फेरेंस के बाद जो अगला पार्ट आएगा वो क्या आएगा? फेरेंस, ठीक है ना। नेसो फेरेंस के बाद क्या आएगा? फेरेंस। डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी अपन ने पढ़ा था इसके बारे में, फेरेंस। फेरेंस के बाद क्या आएगा? ग्लॉटिस। क्या आएगा भाई फेरेंस के बाद? ग्लॉटिस आएगा, ठीक है। ग्लॉटिस के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स। ग्लॉटिस के बाद क्या आएगा? लैरिंग्स। इसी लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स या फिर नॉइस या फिर वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, क्या कहा जाता है भाई? वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, लैरिंग्स के बाद आएगा आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। क्या क्या है आपका? विंड पाइप, है ना। ट्रैकिया क्या है आपका? विंड पाइप। उसके बाद ब्रोंकियल ट्री, देन उसके बाद आएगा क्या? रेस्पायरेटरी ट्री। ब्रोंकियल ट्री, रेस्पायरेटरी ट्री, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री की जैसे ये ट्रैकिया जा रही है आपकी, उसके बाद ये ऐसे दो ब्रोंकस डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से और ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं इनमें से। ये ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? ब्रोंकियल ट्री कहा जाता है इनको, ठीक है। और इन्हीं ब्रोंकियल ट्री के अलावा फिर यहां से अल्वियोलीस बनती हैं। क्या होती है इनमें? अल्वियोलीस, ठीक है। इन अल्वियोलीस को मिला के सबको क्या कहा जाता है? रेस्पायरेटरी ट्री कहा जाता है। जहां से रेस्पायरेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको क्या कहा जाता है? रेस्पायरेटरी ट्री कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका क्या? रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट हुआ। एक बार और सुन लेंगे, क्या है? पैसेज बाय विच एयर एंटर्स इनटू द लंग्स इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। वो रास्ता जहां से हवा
एयर या फिर ऑक्सीजन लंग्स में जाती है उसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहा जाता है। कहां से शुरू होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से शुरू होता है, फिर नेसल चेंबर, फिर इंटरनल नेयर्स, उसके बाद नेसोफेरिंग्स, उसके बाद फेरिंग्स, देन ग्लॉटिस, उसके बाद लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकियल ट्री, देन रेस्पिरेटरी ट्री। क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। डन, आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट सेगमेंट आया है इसमें वो क्या है, नोस एंड नेसल पैसेज, नोस एंड नेसल पैसेज, ठीक है। हाँ, ह्यूमन हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, कितना, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, मतलब पेयर का मतलब कितना हुआ, टू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप, ओपनिंग आउट बाहर की तरफ खुला हुआ होता है, अबाउट द अपर लिप यानी कि ऊपर वाले होंठ के ऊपर की तरफ खुली हुई ही होती हैं, ये पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स यानी कि टू नेयर्स, है ना, टू नेयर्स या फिर होल्स कह लें, ठीक है। एक्सटर्नल नेयर्स ओपन इन वेस्टिब्यूल रीजन प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल पैसेज, क्या, एक्सटर्नल नेयर ओपन इन वेस्टिब्यूल रीजन, कहां खुलता है, एक्सटर्नल नेयर जो होते हैं, नोस्ट्रिल्स जो होते हैं, कहां खुलते हैं, ओपन्स इन वेस्टिब्यूल रीजन, वेस्टिब्यूल रीजन इसको बोलते हैं क्या, वेस्टिब्यूल रीजन, ठीक है। प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल पैसेज, जो नेसल पैसेज का होता है उसका एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार और देख लें कि एक्सटर्नल नेयर्स ओपन इन वेस्टिब्यूल रीजन प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल पैसेज, है ना, नेसल पैसेज के एंटीरियर पार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिब्यूल पोस्टीरियरली कनेक्टेड विथ नेसल चैम्बर्स, है ना, आपको इसमें डाउट अगर हो पोस्टीरियर और एंटीरियर में, ठीक है, तो देखो पा से पोस्टीरियर, हिंदी वाला पा होता है ना, पा से होता है पीछे, है ना, तो पोस्टीरियर का मतलब क्या है, पीछे की तरफ, ऐसा याद करने के लिए, समझने के लिए मान लो, ठीक है। आ से एंटीरियर और आ से होता है आगे की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है, इससे आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। देखो एक्सटर्नल नेयर्स ओपन इन वेस्टिब्यूल रीजन प्रेजेंट इन एंटीरियर पार्ट ऑफ नेसल पैसेज हो गया, वेस्टिब्यूल पोस्टीरियरली कनेक्टेड विथ नेसल चैम्बर, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, नेसल पैसेज इस फंक्शनली डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, क्या है नेक्स्ट, नेसल पैसेज इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, कौन सा, फर्स्ट वेस्टिब्युलर रीजन, सेकंड रेस्पिरेटरी रीजन एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। अब यहां पे नेसल पैसेज को फंक्शनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सा भाई, पहला है वेस्टिब्युलर रीजन, ठीक है ना, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्किन, हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, ठीक है, स्किन, हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्युलर रीजन में, ठीक है। रेस्पिरेटरी रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, लाइन वाइज PSCCGE, है ना, एपिथीलियम है, कौन सा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथीलियम, कौन सा है, याद कर लेना इसको, शॉर्ट फॉर्म है ये, यही जनरली पूछा जाता है आपको, हो सकता है कई बार शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ठीक है,
हाँ नेक्स्ट है क्या, ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन लाइन बाय न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम, क्या न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम जनरली ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम या फिर नेडेरियन मेम्ब्रेन, है ना, क्या बोलेंगे, नेडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करेंगे क्या, नेडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़े। देखो अब ये सेगमेंट जो आया आपको फेरेंजियल कैविटी, ये आपको डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाया था, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था तब आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको फेरेंजियल कैविटी बताया गया था, यहां फिर से आया तो थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वहीं पे क्लियर किया था, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड वक्कल कैविटी एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड फेरेंजियल कैविटी, ठीक है, एंटीरियर पार्ट आ से एंटीरियर और आ से आगे वाला पार्ट क्या कहा जाता है, वक्कल कैविटी एंड द पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे वाला, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे वाला, एंड पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड फेरेंजियल कैविटी, ठीक है, बिटवीन द वक्कल कैविटी एंड द नेसल कैविटी हार्ड पैलेट फॉलोड बाय द सॉफ्ट पैलेट इज प्रेजेंट, क्या, बिटवीन द वक्कल कैविटी एंड नेसल कैविटी, ये आपका माउथ रीजन है ना, ये है क्या वक्कल कैविटी, ये नोस रीजन है, ये क्या है नेसल कैविटी, तो इनके बीच में क्या कह रहा है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ड पैलेट जो आपको पहले बताया था, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट होता है, हार्ड पैलेट फॉलोड बाय ए सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट के पीछे की तरफ क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट भी होता है, ये भी आपको पीछे चैप्टर में बता दिया गया था। द टर्मिनल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड यूमुला, ठीक है, इसी सॉफ्ट पैलेट का पीछे वाला हिस्सा टर्मिनल पार्ट जो प्रोजेक्शन दिखाई देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूबुला, है ना, सॉफ्ट पैलेट का जो पार्ट एक्सटेंड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूबुला। दिस डिवाइड द फेरेंजियल कैविटी इन कंप्लीटली इंटू टू चैम्बर्स, है ना, क्या लिखा है, दिस डिवाइड फेरेंजियल कैविटी इन कंप्लीटली इंटू टू चैम्बर, इनकम्प्लीटली क्यों लिखा है, क्या लिखा है, इनकम्प्लीटली क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, नेसल कैविटी और वक्कल कैविटी इनकम्प्लीटली डिवाइडेड यानी कि ये पीछे की तरफ जाके फेरेंक्स पार्ट में दोनों ही खुल जाती हैं, कौन सी पार्ट में, फेरेंक्स पार्ट में मिल जाती हैं जाके, तो इसीलिए ये कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, कैसा डिवाइडेड है, ये इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है। अपर चैम्बर इज द नेसोफेरेंजियल चैम्बर एंड द लोअर चैम्बर इज ओरोफेरेंजियल चैम्बर, क्लियर है बात, एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग फूड द यूबुला लिफ्ट्स अप एंड कवर्स द इंटरनल नर्व्स एंड सो प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेसल पैसेज, जब हम खाना खाते हैं, है ना, जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो ये यूबुला है ऊपर की तरफ जो ये नेसल पैसेज है इंटरनल नर्व्स को कवर अप कर लेती है, क्यों, ताकि उसमें खाना ना जाए, यूबुला लिफ्ट्स अप, है ना, ऊपर की तरफ उठती है एंड कवर्स द इंटरनल नर्व्स सो इट कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेसल पैसेज, ठीक है ना, In the oropharyngeal chamber, two slit-like apertures are present. क्या कह रहा है? In the oropharyngeal chamber, आपके oropharynx में मुख के अंदर की तरफ two slit-like apertures are present. Slit-like मतलब
ऐसे है ना, स्लिट लाइक अपर्चर्स दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डॉर्सल पोर इज कॉल्ड द गलेट विच ओपन्स इनटू द ईसोफेगस। अब यहां पे दो होल्स अपर्चर्स की बात आ गई है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था दो होल्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रली आगे की तरफ होता है जो, वो होता है किसके लिए, विंड पाइप के लिए, हवा के लिए, ट्रैकिया, और जो पीछे की तरफ होता है उसको बोलते हैं फूड पाइप, ईसोफेगस वाला होता है ना, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं फूड पाइप वाले को, और ग्लॉटस बोलते हैं विंड पाइप वाले को, ठीक है, उस ओपनिंग को। डॉर्सल पोर इज कॉल्ड द गलट विच ओपन्स इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस मतलब क्या है यहां पे, फूड पाइप, ठीक है, है ना, फूड पाइप में खुलता है जाके, उसको क्या बोल रहे हैं, गलट। दिस इज द पाथ ऑफ फूड, किसका पाथ है, रास्ता है किसका, फूड का। वेंट्रल पोर इज कॉल्ड ग्लॉटिस, वेंट्रल पोर को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, एंड इट ओपन्स इनटू द लैरिंग्स, और ये कहां पे जाके खुलता है, एंड इट ओपन्स इनटू द लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, ठीक है ना, कहां पे जाके खुलता है, साउंड बॉक्स। एंड सो दिस इज द रेस्पिरेटरी पैसेज, एंड दिस इज द रेस्पिरेटरी पैसेज, और ये क्या है भाई, रेस्पिरेटरी पैसेज है, ठीक है ना। ये पोर, यहां पे ग्लॉटस की बात आई है, यहां पे एक कार्टिलेजिनस इलास्टिक कार्टिलेज फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ग्लॉटस को कवर अप किए रहता है, कब, जब हम खाना खाते हैं तब कवर अप कर लेता है उस कार्टिलेजिनस इलास्टिक कार्टिलेज फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर को, क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसको, एपिग्लॉटिस बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को यहां तक, ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो आगे, नियर द ग्लॉटिस, हाँ वही चीज है जो बता दी है, क्या, नियर द ग्लॉटिस अ फ्लैट इलास्टिक कार्टिलेज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस इज प्रेजेंट, ठीक है, बता दिया। एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग ऑफ फूड दिस कार्टिलेजिनस फ्लैप कवर्स द ग्लॉटिस, एट द टाइम ऑफ स्वॉलोइंग ऑफ फूड, जब हम खाना निगलते हैं, खाते हैं, स्वॉलो करते हैं, उस टाइम पे ये एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर अप कर लेती है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ब्रीदिंग स्टॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग ब्रीदिंग स्टॉप्स, किस टाइम पे अपनी जो सांस है वो रुक जाती है, ब्रीदिंग स्टॉप कब हो जाती है, तो भाई जब अपन खाना स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ब्रीदिंग बंद हो जाती है, यानी कि सांस जो अपन लेते हैं कॉन्टिन्यूसली वो कब रुक जाती है, ऑटोमेटिकली जब अपन खाना निगलते हैं। आप अब खाना खाइएगा, अभी तक तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हो सकता है आप इस चीज को महसूस कर पाए कि जब आप खाना खाएं उसी टाइम पे आप सांस लेने की कोशिश करेंगे अगर, तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। फेरिंग्स इज द ओनली पार्ट वेयर फूड एंड एयर पैसेज मिक्स टूगेदर, फेरिंग्स इज द ओनली पार्ट वेयर फूड एंड एयर पैसेज मिक्स टूगेदर। यहां से मान लो एयर जा रही है, यहां से खाना जा रहा है, तो ये आगे जाके जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, फेरिंग्स, क्या बोला जाता है भाई उस जगह को, फेरिंग्स बोला जाता है, ठीक है। दैट इज फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, बिल्कुल ठीक है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड प्लस एयर, ठीक है ना, ये लो, क्लियर है, ठीक है ना, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए, ठीक है।
क्लियर हो रही है चीजें? आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट क्या है? लैरिंग्स। ठीक है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है? लैरिंग्स। साउंड बॉक्स भी बोला जाता है ना, साउंड। ये लैरिंग्स पता क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया है, ये कोई अलग से नहीं आया है, जो ट्रैकिया है ना वही है ना। ये क्या है लैरिंग्स? क्या है? मॉडिफाइड ट्रैकिया है ना। ट्रैकिया का मतलब क्या है? विंड पाइप। ठीक है ना, विंड पाइप है तो मॉडिफाइड ट्रैकिया क्या है? लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स इज अ cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box. ठीक है, किसका बना होता है? cartilaginous box है ये, क्या? larynx, which helps in sound production and hence called the sound box. क्या कहा जाता है और इसको? sound box. ठीक है, larynx is made up of following cartilage है ना। larynx किससे किससे मिलके बना हुआ होता है, किन किन कार्टिलेज से मिलके बना होता है ये देख लेंगे। ठीक है, पहला है क्या? थायराइड कार्टिलेज। क्या है पहला? थायराइड कार्टिलेज। ठीक है ना, थायराइड कार्टिलेज कैसा है? सिंगल होता है, एक ही प्रेजेंट होता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट। सी शेप्ड होता है, इसकी शेप की बात करें तो कैसा है? सी शेप्ड होता है और डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, मतलब आगे की तरफ से तो कंप्लीट होता है, इस तरीके का होता है, सी शेप होता है। वेंट्रली कंप्लीट होता है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है, इस टाइप से मान के चलो। तो ये कैसा होता है? सी शेप अपीयरेंस देता है और ये लार्जेस्ट होता है, एक ही होता है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? सिंगल है। और ये बना किसका हुआ होता है भाई? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। किसका? हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्रेकोइड कार्टिलेज की, तो ये भी सिंगल होता है। सिग्नेट रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा? सिग्नेट रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होता है? बिलो थायराइड कार्टिलेज। ये है ना आपका थायराइड कार्टिलेज, इसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये हो गया आपका थायराइड कार्टिलेज, तो यहां पे हो जाएगा ये सिग्नेट रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर उसके ठीक नीचे, है ना, बिलो थायराइड कार्टिलेज। और ये भी काय का बना हुआ होता? हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। काय का बना हुआ होता भाई? हाइलिन कार्टिलेज का ये भी बना हुआ होता है। नेक्स्ट है क्या? एरेटोनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, मैं इसको डायग्राम्स के हिसाब से भी अगर आपको दिखा दूं तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो चीज दिख रही है ना आपकी, ये चीज दिख रही है, ये एक्चुअल में ऐसे है। ठीक है, ऐसे है ये चीज। तो ये क्या है? ये है आपका थायराइड। क्या है ये आपका? थायराइड कार्टिलेज है। ये क्या है आपका? थायराइड कार्ट। ठीक है, ये आपका थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, इसके ठीक नीचे अपन ने जो बात की थी है ना, ये प्रेजेंट है क्या? क्रेकोइड कार्टिलेज। ठीक है ना, कौन सा था? क्रेकोइड कार्टिलेज था, है ना, बिलो थायराइड कार्टिलेज है ना, बिलो थायराइड कार्टिलेज। और कैसा है भाई? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, सिंगल है। ये हो गया आपका क्या? क्रेकोइड कार्टिलेज। ठीक, बिलो ये कौन सा हो गया? क्रेकोइड कार्टिलेज हो गया। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, कंफर्म है? अब उसके बाद एरेटोनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, क्या है भाई? एरेटोनॉइड कार्टिलेज।
वन पेयर होता है, वन पेयर का मतलब ये कितने होते हैं भाई, टू, दो होते हैं, ठीक है। शेप कैसा होता है, पायरामिड शेप होता है, एंड दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ व्हाट, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। क्या होता है भाई, वन पेयर होता है, पायरामिड शेप होता है, पायरामिड शेप यहां पे अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना, है ना, पायरामिड से, यानी कि ट्रायंगुलर टाइप का पायरामिड शेप। तो आप 3D में यहां बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है, सेंटोरिनी वन पेयर, ये भी कितने होते हैं, वन पेयर यानी कि टू। नॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे, नॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एरेटोनाइड कार्टिलेज, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एरेटोनाइड कार्टिलेज, एंड दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है ना, डायग्राम में देख लेंगे आप। देखो ये दिखाई दे रहे हैं आपको कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ये कौन सा है, नॉट लाइक ए स्ट्रक्चर, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। और ये पायरामिड शेप में जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये पायरामिड शेप में ये दो दिखाई दे रहे हैं ना, वन पेयर, ये कौन से हैं भाई, एरेटोनॉइड, कौन से हैं, एरेटोनॉइड, ठीक है। ये पायरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर, ये नोड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। इसको एक बार क्लियर करके दिखा दिया जाए क्या, ठीक है, ये डायग्राम आप देख लो एक बार, कंफर्म हो जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा डायग्राम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिखाई दे रहा है, अपन ने लैरिंग्स और फेरिंग्स की बात की थी, ठीक है। यहां से नेजल कैविटी है, यहां से आपकी एयर इंटर करेगी, ठीक है, यहां से फूट जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो आगे वाला पाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, आगे वाला जो स्लेट होता है उसको बोलते हैं क्या, ग्लॉटिस, और जो पीछे की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, गलेट, ठीक है। ये गलेट खुलता है कहां, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, ग्लॉटिस खुलता है कहां, ट्रेकिया, कहां खुलता है, ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। उसके बाद ये देखो आपका ट्रेकिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक, उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, उसके बाद ये ऐसे ब्रोंकियल ट्री और एस्पिरेटरी ट्री में डिवाइड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, अल्वियोली बोलते हैं इनको, अल्वियोलस, है ना, क्या बोलते हैं इनको, अल्वियोली बोलते हैं, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इनको, अल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन लैरिंग्स टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर साउंड प्रोडक्शन। इन लैरिंग्स, लैरिंग्स में क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है। साउंड प्रोडक्शन कौन करता है, वोकल कॉर्ड्स करते हैं, ठीक है ना, कौन करता है, वोकल कॉर्ड्स करते हैं। इन लैरिंग्स टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर साउंड प्रोडक्शन, कितने, टू पेयर्स, ठीक है। एंटीरियर पार्ट
इज कॉल्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये वॉइस प्रोडक्शन में या फिर साउंड प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते हैं, इनका काम होता है सिर्फ क्या, मॉइस्चर प्रोवाइड करना, है ना। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनको ये क्या कराते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, यानी कि नमी बनाए रखते हैं। एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड, दीज आर कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स, है ना, दीज आर कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स, किसके, मेम्ब्रेन्स के बने हुए होते हैं। दे आर पिंक इन कलर, कलर में कैसे होते हैं, पिंक होते हैं। एंड दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन, दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन, फोनेशन का मतलब क्या है, साउंड प्रोडक्शन, दे डू नॉट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करते, क्लियर है, दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन। दे प्रोवाइड मॉइस्चर टू ट्रू वोकल्स, क्या करते हैं भाई, वो प्रोवाइड मॉइस्चर यानी कि नमी बनाए रखते हैं, कंफर्म है, क्लियर है भाई, क्या करते हैं, दे ओनली प्रोवाइड मॉइस्चर टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स, दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन। नेक्स्ट है क्या, पोस्टीरियर पार्ट, है ना, पोस्टीरियर पार्ट होता है, इट इज ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये कैसे ट्रू वोकल कॉर्ड्स माने जाते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ शीट ऑफ येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, क्या, दे आर कंपोज्ड ऑफ शीट ऑफ येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ऑल्सो इनको क्या लिख दिया जाता है, YFCT, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड ट्रू वोकल कॉर्ड्स, वाई, बिकॉज दे हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, या फिर कहें दे हेल्प इन फोनेशन, दे हेल्प इन फोनेशन, या फिर ऐसा कहें दे हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, जो अगला सेगमेंट है नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे अपन कहां से, ट्रैकिया से, ठीक है। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जरूरी चीजें आज के लेक्चर में अपन ने देखी, और उसको अगर समअप करें दोनों लेक्चर्स को, तो आपको देख लेना पड़ेगा क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं, कौन से एनिमल्स के अलग अलग जगह पे रहने के हिसाब से उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे किसी का मॉइस्ट क्यूटिकल है यानी कि मॉइस्ट स्किन, जैसे अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग हो गया, इंसेक्ट्स का है ट्रैकियल ट्यूब्स हो गई, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके गिल्स हो गए, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके लंग्स हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर भी किया है, जहाँ पे नेसल चैम्बर के बारे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि कैसे वो एयर नोज से होती हुई, नेसल चैम्बर से होती हुई, पीछे फेरिंग्स में होती हुई विंड पाइप में एंटर करती है, ठीक है ना। तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।